एक वक्त ऐसा था जब नेता झूठ बोलते थे, लोग झूठ बोलते थे, तो मीडिया उनका सच ढूंढ कर लाता था और जनता को उस सच के बारे में बताता था। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि मीडिया वाले बड़े बड़े चैनल और अखबार झूठ बोलते हैं और लोग उसे खंगालते हुए सच सामने लेकर आते हैं और मीडिया के झूठ को बेनकाब करते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आईपीएस अधिकारी किसी से घूस मांग रहे हैं, उसका वीडियो सामने आया। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया था जिसके बाद ये वायरल हो गया, जिसमें आईपीएस रैंक के अफसर जो है किसी से 20 लाख रुपए की घूस मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसका आप इसको मत देखिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। भैया निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को? 10 लाख रुपया जो अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे ही चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 20। अच्छा जी, आपको भेजिए और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज इस वीडियो में जो व्यक्ति आईपीएस हैं वो जो नजर आ रहे हैं, मीडिया ने जब इस पर खबर कवर की तो इस व्यक्ति की जगह किसी दूसरे आईपीएस अफसर का फोटो उन्होंने छाप दिया। इस वीडियो में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं वो फिलहाल मेरठ देहात में एसपी पद पर तैनात हैं। उनका नाम है अनिरुद्ध कुमार। लेकिन इसकी जगह उन्होंने, मीडिया ने जो खबरें छापी हैं जिसमें न्यूज़ 24 और पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित अपने आप को कहने वाले न्यूज़ चैनल्स और अखबार शामिल हैं, उन्होंने चंदौली के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह का फोटो छाप दिया और काफ़ी ये ऐलान कर दिया कि ये देखिए घूसखोर अफसर है, क्या इसके घर पर अब बुलडोजर चलेगा। लेकिन जब इन्होंने, जो चंदौली के डिप्टी एसपी हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट क्या किया वो मैं आपको पढ़ाता हूँ और उसके बाद आप देखिए कि कैसे मीडिया वाले जो हैं वो बैकफुट पर आ गए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि वारी पत्रकारिता, ये इतनी जल्दी में है कि इसका आलम यह है कि सारे भारत के अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति का तात्पर्य लगता है मुझसे है, फोटो मेरी और समाचार किसी और का, गजब की मानहानि की भी पराकाष्ठा है। यानी जो ये डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह, इन्होंने एक तरीके से उसको बता दिया कि आपने किसी और की खबर पर मेरा फोटो छाप दिया बिना वेरीफाई किए हुए, अब मानहानि की आपको फेस करना होगा, डिफेमेशन का केस आप पर होगा। और फिर उनके ट्वीट के नीचे जो है न्यूज़ 24 जैसा चैनल जो है वो लिखता है, वो अपनी गलती मान रहा है, उसकी झूठ पकड़ी गई है। वो कह रहे हैं, अनिरुद्ध जी इस भूल के लिए हमें खेद है, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, इस मानवीय गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये यानी वो बैकफुट पर आ गए, झूठे उन्होंने फैलाया, किसी और व्यक्ति का फोटो उन्होंने लगा दिया। इतना बड़ा मीडिया संस्थान है, इतने ज़्यादा वहाँ कर्मचारी हैं, डेटाबेस है उनके पास, रिसर्च टीम है, रिपोर्टर्स हैं, उसके बावजूद वह ऐसी गलती कर रहे हैं। जबकि ये सारे जो आईपीएस अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं, बहुत आसान है इनको वेरीफाई करना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये गलती की। अब इस पर अनिरुद्ध सिंह ने फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, उस पर लिखते हैं वो, मित्र गूगल में जीवन भर यही फोटो आएगा, उसकी भरपाई संभव हो तो बताएं। यानी ये जब खबर आपने कवर कर दी है उसके बाद भले ही आप हटा लेंगे, लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लोग उसको दूसरी जगह पब्लिश कर देते हैं, वो फोटो इस्तेमाल करते हैं बार बार लोग देखकर, जिसके बाद ये गूगल के ठिकाने यानी इंटरनेट की दुनिया में ये हमेशा के लिए रह जाता है। और यही आशंका अनिरुद्ध सिंह जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि भाई आपने तो मेरे ऊपर ये इस तरह का काम कर दिया, अब हमेशा ये खबर जो है वो जब भी कोई अनिरुद्ध सिंह टाइप करेगा तो ये फोटो निकल कर आएगी और मुझे घूसखोर बताने की कोशिश होगी, क्या इसकी भरपाई आप कर सकते हैं? ये उन्होंने सवाल उठाया है, बहुत गंभीर गलती है ये ऐसे बड़े मीडिया संस्थान से। और जो पत्रिका है उसने भी इस पर खबर छापी थी कि उन्होंने अनिरुद्ध के बारे में जब ये फ़ोटो इस्तेमाल किया तो जो आरोपी आईपीएस है उसकी जगह अनिरुद्ध सिंह जो चंदौली के डिप्टी एसपी उनका फ़ोटो लगा दिया। उस पर भी जब इन्होंने सवाल उठाया तो जनार्दन पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको जवाब दिया है, जी हम अपने डेटाबेस से इसे पूरी तरह हटाएंगे, अपने सर्च कंसोल से, गूगल से भी हटाएंगे, इस कैवेज में अगली खबर प्रकाशित करेंगे जिसमें अपनी गलती के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये उन्होंने खबर प्रकाशित की है, भूल सुधार का एक जिक्र किया है और ये पत्रिका की खबर में ये गलती इस तरह की पकड़ी गई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने बड़े मीडिया संस्थान हैं, इतनी सारी टीम होने के बावजूद वो बिना वेरीफाई किए हुए कैसे तस्वीरों का इस्तेमाल कर देते हैं। आपको याद होगा जब 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था उसको कैसे मीडिया ने बोला था कि कुछ नहीं हुआ, और जब उसके बाद सवर्णों ने भी एक तथाकथित बंद बुलाया था तो जो आज तक है उन्होंने खबर छाप दी थी जिसमें
नीले झंडे वाला झंडे लेकर भीड़ जो है वो ट्रेन रोक रही थी, यानी जो दलितों के आंदोलन की तस्वीर थी उसको उन्होंने सवर्णों के आंदोलन की तस्वीर बताकर आपके सामने रखा था। तो इस तरह के काम मीडिया करता रहा है। हाल ही में आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों के बीच में झड़प की खबरें लगातार कई मीडिया संस्थानों ने छापी। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों ने भ्रामक खबरें छापी और जिसके बाद तमिलनाडु और बिहार में अलग अलग जगह केस दर्ज हुए। इन अखबारों पर भी FIR दर्ज की गई। आप उस ब्राह्मण लड़के जो अपने आप को पत्रकार बताता है, हालांकि वो वहाँ के स्थानीय लोग तो यही कहते हैं कि वो गुंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है, RSS के व्यक्ति हैं। मनीष तिवारी, वैसे तो वो कश्यप लगाते हैं लेकिन असल में उनका नाम तिवारी ही है, मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने किस तरह से झूठ परोसा, वो अपने ही जगह पर पटना में स्टूडियो में मजदूरों को पट्टी लगा के उनके साथ वीडियो शूट करते हैं और कहते हैं कि तमिलनाडु से ये लोग आए हैं, इनके साथ मारपीट हुई है, झूठ बोला गया, वो भी झूठ बोल रहे हैं और ये तमाम जो मीडिया संस्थान हैं ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि मीडिया आपको जो बता रही है वो सारी बातें सच नहीं होती। वो दौर अब नहीं है जब लोग कहते थे कि अखबार में छपा है तो सच ही होगा, TV में खबर आई है तो सच ही होगा। अब आपको पहचानना होगा कि TV अखबार वाले आपको झूठ भी परोसते हैं, आपके सामने एजेंडा भी परोसते हैं और जो मास कम्युनिकेशन की भाषा है यानी पत्रकारिता की जो भाषा है उसमें इसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं और ये बहुत ही चंद लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला मीडिया है। इसलिए इनकी सभी खबरों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। जब भी हम TV पर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मीडिया में खबरें देखते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए उसको लिखने वाले लोग कौन हैं, किस संदर्भ में खबरें लिखी गई हैं, कैसा उसका नरेशन किया गया है, उसके तथ्यों की पड़ताल हमें करनी चाहिए। ये मतलब भारतीय पत्रकारिता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक ये माहौल है कि लोग अब जनता जो है वो खुद ही खबरों की सच्चाई लेके आ रही है, जो मीडिया बता रहा है उसका सच अब जनता बता रही है। इसे मीडिया लिटरेसी कह सकते हैं कि जनता जागरूक हो रही है लेकिन मीडिया अपने गर्त में जा रहा है। मनुवादी मीडिया के जो सवर्ण पत्रकार हैं वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं झूठ बोलने में, एजेंडा सेट करने में, फेक न्यूज़ फैलाने में। तो इनसे हमें बचकर सावधान रहने की ज़रूरत है। मनु मीडिया आपका अपना मीडिया नहीं है लेकिन बहुजन मीडिया आपका अपना मीडिया है। हमारी आपसे अपील है कि द न्यूज़ वीक को आप ज़रूर सपोर्ट करें। आप अगर चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमें आर्थिक मदद करें। आप इस QR कोड को स्कैन करें जिससे आपकी मदद हम तक पहुंच जाएगी। अकाउंट्स की डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देख सकते हैं। आपकी ही दम पर हम पत्रकारिता करते हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने अम्बेडकरवादी मीडिया को मजबूत करें। आप हमारी ताकत हैं और हमें और ताकतवर बनाएं। वीडियो को शेयर करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करें। आपसे अपील है कि हमारे द न्यूज़ वीक की टीम को हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।